जनवरी के स्टार्टिंग में आपका जो है सो फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और फिजिकल के रिगार्डिंग बहुत सारा हमको डॉट आता था और जो बहुत सारा मैसेज आया है, तो उससे रिगार्डिंग जो भी आपका क्वेश्चन बन रहा है वो हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी के फिजिकल में क्या क्या होता है। तो आपको दो चीज आपको करना होता है, बस और कुछ नहीं। फिजिकल में आपको 35 kg वजन 2 मिनट में 100 मीटर लेके जाना होता है। 35 kg वजन 2 मिनट में 100 मीटर लेके जाना होता है पहला। इसके बाद और इसके रिगार्डिंग और भी कुछ बता देते हैं। जैसे 35 kg वजन जो है सो आपको नीचे से नहीं उठाना पड़ता है, आपके कमर के हाइट के बराबर जो है सो एक बोरा रहता है, सीमेंट वाली बोरी या फिर किसी और चीज भी किसी चीज की भी हो सकती है, ज्यादातर सीमेंट वाली ही होती है। तो उसमें जो है सो 35 kg वेट रहेगा बालू, ठीक है, बालू रहेगा 35 kg वेट का और उसको अच्छे से बंधा हुआ रहेगा, सिलाई किया हुआ रहता है, ठीक है। उसको उठा के आपको लेके जाना होता है 100 मीटर। तो वो आसान है, आप अगर ठीक से उसको पकड़ के रखते हैं, ठीक से उसको अगर ग्रैब करके रखते हैं, मतलब वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, वो अगर नीचे गिर गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि दोबारा चांस मिलेगा। एक बार अगर गिर गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, इसीलिए वो क्या बोलते हैं उसको ठीक से पकड़ना है। और 2 मिनट दिया है 100 मीटर जाने के लिए, तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम है, ठीक है। तो आपको सिर्फ चल के जाना है, दौड़ना नहीं है, क्योंकि आपको 1 किलोमीटर और रनिंग करना है बाद में। तो इसीलिए उसको जो है सो आराम से अपना एनर्जी मतलब वेस्ट नहीं करना है, आराम से उसको लेके जाना है और 100 मीटर के बाद उसको रख देना है जहां पे वो बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आपको गैप मिलेगा, जिसमें आप गैप इन द सेंस कि मतलब बहुत ज्यादा नहीं, आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना मिल जाएगा आपको। अगर 2 मिनट में आप दौड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर 5 मिनट लेना चाहता है तो 5 मिनट 10 मिनट। उसके बाद आपको पानी का भी व्यवस्था, अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो व्यवस्था रहता है, अगर नहीं है तो आप मतलब वहां का जो भी इंस्ट्रक्टर है जो भी है उससे आप बोल सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं तो पानी पी सकते हैं, टॉयलेट यूज कर सकते हैं। तो जो भी ये करने के बाद ये कर लीजिए, इसके बाद फिर मतलब कि इस टाइम में आप थोड़ा को आप खुद को रेस्ट दे सकते हैं, रेस्ट आपको मिल जाएगा अगर आप चाहेंगे तब। और इसके बाद आपका रनिंग होगा, रनिंग में मतलब 30-40 आदमी करके दौड़ाता है साथ में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप जैसे कोई अगर रनिंग स्टार्ट कर दिया, पहले स्टार्ट कर दिया तो वो पहले पहुंच जाएगा, सबका अलग अलग टाइम रहता है, ठीक है। एक बैंड पैर में जो है सो बंधा हुआ रहता है तो उससे वो खुद मतलब रीड हो जाता है कितना टाइम लगा। तो आपको ये नहीं कि कोई दौड़ गया तो उसके साथ हमको दौड़ना है, वो दौड़ने दीजिए, वो अगर आगे चला गया इसके बाद आप दौड़िए, तो मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आगे पीछे करके दौड़िएगा तो गैप मेंटेन रहेगा, ठीक है, एक ही बार में दौड़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया सीन, इसका रनिंग हो गया। अब आता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आप लोगों का आता है, रनिंग क्या बात बता दें, 1 किलोमीटर रनिंग रहता है और 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर ही आपको जो है सो वो रनिंग कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, तो ये जो फिजिकल है वो क्वालिफाइंग नेचर है, बस आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, ठीक है। और इसका मार्क्स जो है सीबीटी मतलब जो क्या बोलते हैं उसको मेरिट लिस्ट में उसका मार्क्स नहीं ऐड होता है, क्वालिफाइंग है, ठीक है। और इसके बाद फिजिकल में 3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जितना वैकेंसी है उससे 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा आपके जोन में। अब बात आता है कि फिजिकल कहाँ होगा, ये क्वेश्चन है। तो जो जिस भी जोन से आप अप्लाई किए हैं उस जोन का जो आपका डिवीजन है उसके उसका हर डिवीजन में आपका जो है ग्राउंड रहता है हर डिवीजन में। तो जो आपका डिवीजन है वो नजदीक वाले डिवीजन में आपको वहां पे बुला लिया जाएगा। जैसे कि आप मान के चलिए कि हम गुवाहाटी से हैं, तो गुवाहाटी में हमको नहीं आके फिजिकल देना पड़ा, हम बिहार मेरा घर है, और जो भी जो हमारे लोगों का फिजिकल हुआ वो कटिहार में हुआ था, ठीक है, कटिहार में हुआ था क्योंकि कटिहार एक डिवीजन है गुवाहाटी जोन का। तो जैसे कि कोई अगर बेंगलुरु से बिहार का आदमी है और वो बेंगलोर जोन से भरा हुआ है, ठीक है, तो आपका जो फिजिकल बेंगलोर जोन के एरिया में जो उसका डिवीजन हुआ नजदीक का जिस पे जाने में मतलब नजदीक वाले डिवीजन में आपका फिजिकल कंडक्ट किया जाएगा, जो भी इधर नॉर्थ का जो भी कैंडिडेट होगा उसको वहां पे बुलाया जाएगा। तो ये कुछ सीन रहता है, ठीक है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिजिकल
कितने दिन में बन जाएगा, ये भी कमेंट आता है कि फिजिकल कितने दिन में बन जाएगा, वो निर्भर करता है कि आपको कितना, अगर कोई कोई को एक किलोमीटर पहले ही दौड़ लेता है मतलब उसको आ जाता है, तो वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। और ज़्यादा टाइम है नहीं, अगर ज़्यादातर आदमी को अगर रनिंग नहीं की है कभी भी तो उसको ज़्यादा उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुश्किल से 3 महीना है, तो ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। तो इसीलिए फिजिकल तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर रनिंग डेली कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना राउंड मारना पड़ता है, मतलब कि जो ग्राउंड है उसमें कितना चक्कर हमको मारना पड़ेगा। तो ये है सीन वहाँ पे कि अगर बड़ा ग्राउंड रहेगा तो 333 मीटर का 3 रहेगा और उसको 3 चक्कर लगाने के लिए आपको बोला जाएगा, ठीक है, कि 3 चक्कर लगाना है। आप पूछ सकते हैं वहाँ पे जितना है उसे पूछ सकते हैं कितना चक्कर लगाना है, तो वो आपको चक्कर काउंट हो ही जाएगा, आप खुद ही कर लेंगे। 3-4 चक्कर काउंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो काउंट कर लीजिएगा आप खुद। और जैसे कि अगर छोटा ग्राउंड है तो 250 करके 4 राउंड मारना पड़ेगा। हम लोगों का जो कटिहार में हुआ था वो 250 का था, 250 करके 4 राउंड हम लोगों का जो है सो रनिंग किया करना पड़ा, मतलब करना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ग्राउंड 1000 मीटर से ज़्यादा रहता है, मतलब 1 किलोमीटर से बड़ा ग्राउंड रहता है क्या? तो ऐसा नहीं है, आपका जो देखिए ये तो बड़ा लेवल पे हो रहा है ना, तो कोई भी कुछ कर सकता है। अगर किसी का मतलब रनिंग हो जाता है तो ये मतलब आप उसको आप चाहिएगा कि मतलब रिक्स है, तो ऐसे करके ये नहीं कि आप ज़्यादा करके, वहाँ पर बहुत बड़े ऑफिसर रहते हैं तो वो आप समझ सकते हैं कि उसको जो है तो पूरे एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब वो जो बांस का घेर के बनाया गया रहता है ग्राउंड 250 मीटर का, तो अगर आप ज़्यादा दूर से दौड़िएगा, मतलब बांस का जो ये ग्राउंड है ये 250 मीटर का, अगर ज़्यादा दूर से जो दौड़िएगा तो आपको तो वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर नज़दीक से उसको नज़दीक से रनिंग कीजिएगा तो आपका जो है सो ज़्यादा नहीं होगा, उतना ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ सीन है। और अगला है क्वेश्चन कि 35 kg बालू, मतलब 35 kg जो वेट रहता है वो ज़्यादा रहता है कि 35 kg से? तो ऐसा कुछ सीन नहीं है, 35 kg का वेट है, उसमें बालू रहता है भरा हुआ, और वो जो है सो आप 40 kg ट्राई कीजिए। आप जो अभी अगर ट्राई करते हैं तो 40 kg तक का ट्राई कर लीजिए, वो आपको आसान लगेगा और आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप उसको ऐसे भी पकड़ के उठा के लेके जा सकते हैं, ऐसे पकड़ के ताकि वो नीचे नहीं गिरे, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे में गिरने का ज़्यादा चांस रहता है। नहीं तो पीठ पे भी ले सकते हैं, हो सकता है कि कोई आपको टक्कर दे दे, क्योंकि बहुत से आदमी दौड़ के कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है उतना, वो दौड़ के कंप्लीट करता है। आपको अगर ऐसे करके लग जाएगा उसका हाथ आप पे तो गिर जाएगा, इसलिए आप ऐसे पकड़िए, कोशिश कीजिएगा ऐसे पकड़े ताकि गिरे नहीं। अगर थोड़ा हिल भी गया कोई, किसी से टक्कर भी लगा तो गिरेगा नहीं, ये देख के चलिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो और सब कुछ क्वेश्चन हम बता ही दिए, तो बस इतना ही था। कोई भी और डाउट हो फिजिकल से रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर।